मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू पर काला जादू करने के आरोप में उनकी कैबिनेट की एक मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। काला जादू के आरोप में जिस महिला मंत्री को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम फातिमा शमनाज अली सलीम है। फातिमा शमनाज मुइजू सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं। उनके साथ दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जिनमें से एक उसका भाई है। इन लोगों को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट के समक्ष पेश किया गया जहां से इन्हें 7 दिनों के रिमांड पर भेजा गया है। इससे पहले पुलिस ने फातिमा के आवास पर छापेमारी कर कई आपत्तिजनक चीजों को जब्त किया। कहा जा रहा है कि इनका इस्तेमाल वह काले जादू के लिए करती थी। राष्ट्रपति मुइजू पर काला जादू करने को लेकर कई थ्योरी सामने आ रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति मुइजू पर काला जादू करके शमनाज उनकी गुड बुक्स में आना चाहती थी। कहा जा रहा है कि वह मुइजू सरकार में अहम पद हासिल करना चाहती थी, इसके लिए वह काले जादू का सहारा ले रही थी। इस मामले में एक अलग थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि मुइजू की पत्नी और फर्स्ट लेडी ने प्रतिशोध की भावना से शमनाज को इस मामले में फंसाया है, क्योंकि आरोप है कि शमनाज ने मुइजू की पत्नी का एक वीडियो लीक किया था जिसमें वह किसी पब में गाना गाते और थिरकती नजर आ रही हैं। बता दें कि मालदीव सरकार ने देश में लगातार बढ़ रहे काले जादू के मामलों को देखते हुए 2015 में एक चेतावनी जारी की थी। मालदीव सरकार के इस्लामिक मंत्रालय ने सार्वजनिक चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि समाज में काले जादू का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, लोगों को इससे दूर रहना चाहिए अन्यथा परिणाम सही नहीं होंगे। बता दें कि मालदीव में काले जादू को स्थानीय भाषा में फंडिदा या शिहिरू बोला जाता है। इस्लामिक कानून के तहत काला जादू मामले में दोषी ठहराए जाने पर गंभीर सजा का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश टीवी।